रतिया जगाया नाड़ी मरद खुला अकड़ा नहीं खुला। चलो चलो बोलता ना, चलो अभी बोलता ना, बोलता था तुमको। एक और आ गया, हाउसफुल हो गया सब। हाउसफुल आज कौन सी पिक्चर है? चुप बे, आवाज नहीं मांगता, आवाज बंद कर। आप हमको बंद कर सकता लेकिन हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकता। इंकलाब जिंदाबाद। ले जाओ इस बेवड़े को। चलो चलो बोलता ना, धक्का मत मार, मेरे नेशनल कैरेक्टर मजबूत है। चलो धक्का क्यों देता है? कमाल कमाल है, थोड़ी सी दारू पी और बंद कर दिया है। हमने किसी की चोरी की है, किसी का डाका डाला। आहिस्ता बोल नहीं तो तेरा खून हो जाएगा। क्या बोलता है? हम नहीं बोलता, वो बोलता है तेरा बाप। कौन है बा? ना। वो अगर उठ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा अबे अच्छे है? अरे ये तो पी के आउट है। मैं कभी आउट नहीं होता। हाँ कभी कभी ज्यादा हो जाती है ना तो हाथ भारी हो जाता है। भाई साहब छोड़िए, मैं शरीफ आदमी हूँ। शरीफ? तुम्हारी शादी हुई है? दो बच्चों का बाप हूँ। अगर तुम इस दुनिया में ना रहे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? बस अब ज्यादा आवाज निकाली ना तो तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। हम बोला था ना, गुड मॉर्निंग सिंह साहब। गुड मॉर्निंग मास्टर। उतर गई? वो तो रात की बात ही साहब, अब तो सुबह हो गई। आखिरी बार तुमसे कह देता हूँ मास्टर, आज के बाद अगर तुमने पी पिलाकर मारपीट की तो सीधे जेल जाओगे। साहब इसमें अपन का कोई कसूर नहीं। पता नहीं ये हवालदार लोग कैसे सुन लेता है। ऐसे करो इन सबको अंदर बंद कर डालो, मुसीबत आज खत्म। ए तुकाराम। हेलो मास्टर, उसे फौरन अंदर भेजो। जंगली बिल्कुल बदतमीज आदमी है लेकिन बहुत बहादुर, कमाल का ड्राइवर है। तीन मर्तबा पुलिस उसके पीछे पड़ी लेकिन पकड़ा नहीं गया। मुझे उससे सख्त नफरत है, आज तक उसने मुझे कभी सलाम नहीं किया। बस इतनी सी बात? लो अभी सलाम करवा देते हैं। कम इन, आओ मास्टर आओ, कल तो तुम अंदर हो गए थे और आज अपन बाहर हो गया। पाल सेठ कुछ माल चाहिए था, काम है? अरे काम के पैसे तो तुम हमेशा लेते हो, ये लो 500 रुपए मैम साहब की तरफ से बख्शीश। सलाम करो इन्हें। पाल सेठ सलाम अपन दो ही को करता है, एक ऊपर वाले को जिसने पैदा होते ही हमको सड़क पे डाल दिया और दूसरा गन्नू उस्ताद को जिसने हमको सड़क से उठा लिया। देना है तो एडवांस दो, काम करके वसूल कर लेना। बस तुम यही खराबी है, बात बात नोखर जाते हो। अच्छा ये लो एडवांस, शाम को 7 बजे पहुंच जाना, वैन लेके जाना है। पहुंच जाएगा पॉल सेठ। जंगली बदतमीज। कम ऑन टेक इट इजी, टेक इट इडियट। ओके जाने दो उसे, तुम मेरे साथ आओ। अरे आजा आजा, ए मोहन आ राजा, आई शाबाश। अरे 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 आजा आजा आजा, ये ले आजा, तू भी आ ले, आई शाबाश ये ले। अरे 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 ए ले ले, आहा आजा, वाह वाह वाह। दोस्ती और प्यार दुनिया वालों को तुमसे सीखना चाहिए। चला कम ऑन आजा आजा। राम राम जुम्मन चाचा। आ गए मास्टर। हाँ जुम्मन चाचा, जुम्मन चाचा कभी मुझे आने में देर हो जाए करे तो मेरे इन दोस्तों को रोटी खिला दिया करना, ये भूखे नहीं रहने चाहिए। और उसके लिए ये लो। मौसी। आलस परत गुंडा मवाली शराबी कहीं का। अरे मौसी जरा सोचो, बिजली अगर तुम्हारी बेटी होती और उसे गुंडों से मैं बचाता तो तुम मुझे गुंडा नहीं कहती। तुम मेरी बलाएं लेकर कहती
जुग जुग जियो बेटा, भगवान तेरा भला करे। भगवान तेरा कभी भला नहीं करेगा, अरे तू कभी नहीं सुधरेगा। ये ले अपने काकड़ी और लींबू और जा दारू के अड्डे पर, फिर पी पा कर किसी का सर फोड़। भगवान करे तुझे लंबी जेल हो जाए। और भगवान करे तू लाखों बरस जिए मौसी और हर रोज मुझे इसी तरह गालियां देती रहे, क्योंकि तेरी हर गाली मेरे लिए आशीर्वाद बन जाती है। मैं चला। क्यों सीटी मार कर लोगों का रास्ता रोकने लगी हो? आजकल धंधा नरम पड़ गया क्या? अरे नहीं मास्टर, जब तक तुम जैसे पीने वाले रहेंगे अपना धंधा हमेशा गर्म रहेगा। सुनो, आज चौमन का ताजा माल आया है, तुम्हारी पसंद का, आ जा अंदर। अरे नहीं मैं चला। अरे सुनो तो, तुमने नहीं पीनी है तो मत पियो, लेकिन कम से कम उनके तो पैसे चुका दो जो तुम्हारा नाम लेकर हमेशा उधार पीते हैं। कौन? अरे वही तुम्हारे तीनों चमचे, हंगल, देवरी और गुटका। भाई भिवरी, दारू तो खत्म हो गई, ये और देगी क्या नहीं? भाई ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ये गुटका कुछ चक्कर चला सकता है। तो उठ गया। अरे कैसे नहीं देगी, अपुन कोई आलतू फालतू है? इज्जत वाले लोग है अपुन लोग, पूरी बम्बई में खरीद रहे अपना एक तमाशा। ताले। भाई सुबह शुरू हो गए, कोई काम धंधा नहीं है क्या? काम धंधा हो रहा, तो पी देगी। वो भी उधारी की पी रहे हो मेरा नाम लेकर? पीने की बात छोड़ मास्टर, हम तो जी तुम्हारा नाम लेकर। अरे तुम ही तो हमारे माए बाप को मालिक। हौसला और हौसला मेरे मास्टर, अभी किसका डर है मेरे को? आवाज वाकई चढ़ गई है। अरे चढ़े नहीं तो पैसे वापिस। जरा चक्के तो देख ले। माल असली है। सारी खुदी खत्म कर जाओगे मास्टर, अपने तीन यतीम बच्चों का भी तो ख्याल करो। बच्चा लोग की चोंच किली हो चुकी है, अब बापू की बारी है। ये मुझको संभालो, अरे मुझको संभालो, अपना बना लो। ओ, मैं हूँ दीवाना, मुझको संभालो, अरे मुझको संभालो, अपना बना लो। बेघर बेगाना दिल में बसा लो, अरे दिल में बसा लो, अपना बना लो। संभालो अपना बना लो।
जीने दो मुझको, पीने दो मुझको, ओ छोड़ो बहाना, बोतल निकालो, बोतल निकालो, अपना बना। अपनेपन के दिन क्या है अपना, बातों का जादू, आंखों का सपना, इस अपनेपन के दिन क्या है अपना, इस अपनेपन के दिन क्या है अपना, सब एक रब का, रब एक सबका, सब एक रब का, रब एक सबका, ओ हंस के गले से सबको लगा लो, अरे सबको लगा लो, अपना बना लो, अपना बना लो, ओ मैं हूँ दीवाना, मुझको संभालो, अरे मुझको संभालो, अपना बना लो। अरे उसको उठा लो, अपना बना लो, ओ मैं हूँ दीवाना, मुझको संभालो, अरे मुझको संभालो, अपना बना लो, अपना बना लो, बेघर बेगाना दिल में बसा लो, अरे दिल में बसा लो, अपना बना लो, अपना बना लो,
भाई कौन है ये जानते हो इसे? हमने नहीं साहब। इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जरा मेरी मदद करो। आराम से क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है पूरा का पूरा। बच्चे के रोने की आवाज, ये तो अपनी वैन में है मास्टर। अपनी वैन में बच्चा है तो बच्चे की माँ भी होगी। आप क्या सूंघ रहे हैं? अरे भाई वो, अरे वो कुछ नहीं, उसकी माँ यहाँ नहीं है। तो फिर तू कहाँ से आ गया मेरे बाप? रोना बंद कर, रोना बंद कर। जाने किसकी बला हमारे गले पड़ गई है। आपने जो लफड़ा नहीं मांगता है, उठ के इसे ले जाकर वहां रास्ते पर रख दे। अच्छा, चल अच्छा। रख दे। ठहरो, लो। आजा आजा आजा। चुप हो जा यार, अभी से रोएगा तो जिंदगी भर रोता रहेगा। अरे कमाल है, तुम्हारे पास आते ही चुप हो गया। कहीं ये तुम्हारा ही तो नहीं है मास्टर? तू किसका है? तुझे मालूम है इस दुनिया में सबका एक ही बाप है, ऊपर वाला। और ये क्या है, ऊपर वाले का तोहफा? ये भी मेरी तरह एक मास्टर है। मुझे भी कोई इसी की तरह सड़क पर छोड़ गया था। जैसे गन्नू उस्ताद ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं भी इसे पालूंगा। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी। चलो। बच्चा मिल जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? कहीं नहीं। लेकिन तुम्हारे माँ बाप और कोई सगा संबंधी? कोई नहीं, बस एक मुन्ना था। रो नहीं, तुम अपना दुख अपनी परेशानी मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बोलो। भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कुछ दिन पहले मैं बहुत सुखी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अरे मालूम है, मालूम है दीपक आ रहा है, पर अपने बाप को तो धक्का ना दे। मैं चलूं बापू। आंखों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती हैं, उन्हें क्यों छुपा रही? हटाओ हाथ। तुम आते हो चले जाते हो, फिर आते हो फिर चले जाते हो, और मैं तुम्हारी राह देखती रहती हूँ। रूपा, अब ये आना जाना, राह देखना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या? मुझे शहर की मिल में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जगह का इंतजाम भी हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। सच? सच, भगवान साक्षी है। मैं भगवान विश्वनाथ के सामने ये मंगल सूत्र पहनाकर आज से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। भगवान तुम्हें सुखी रखे। मैं बहुत खुश हूं बेटा, तुमने परम पिता परमेश्वर के सामने मेरी बेटी को अपनाया। लेकिन दीपक, ब्याह शादी तो सबके सामने विधि पूर्वक ही हो तो अच्छा। वो तो एक रस्म की बात है बाबा, जगह मिलते ही मैं सबके सामने रूपा को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा।
आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। एक चिट्ठी आई कि जगह का इंतजाम हो गया है, वो वापस आ रहे हैं। मैं खुश होकर उनके आने की घड़ियां गिनती रही कि अचानक एक तार आया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं मां बनने वाली थी, लेकिन गांव वाले ने हमारा अपमान करके हमें गांव से निकाल दिया। पिताजी ये तो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो भी चल बसे। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। जीने का एक ही सहारा था, मेरा बेटा, वो भी। दुख तो हर एक की जिंदगी में आता है बेटी, हर मुसीबत एक इम्तिहान होती है। तुम अकेली हो, बेसहारा हो, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं। समझ लो कि तुम मेरी बेटी हो और अब यही रहोगी। बच्चे की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट कर देता हूं। रूपा बेटी, आओ बेटी, खाना लग गया है। नहीं, मुझे भूख नहीं। फिर वही बात, इस तरह खाना पीना छोड़ देने से क्या तुम्हारा बेटा? अभी तक तो उसका कोई पता नहीं चला। धीरज रखो बेटी, पुलिस खोज कर रही है, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारा बेटा जल्दी ही मिल जाएगा। मेरी सलाह है कि तब तक तुम अपने आप को किसी काम काज में मसरूफ रखो, उससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और वक्त भी कट जाएगा। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। तो क्या हुआ, हर इंसान में कोई ना कोई छिपी खूबी होती है जिसे उभारा जा सकता है। संगीत है, नृत्य है, और भी बहुत सी कलाएं हैं जिसे सीख के तुम खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी और अपने बेटे का भविष्य भी बना सकोगी। देखो बेटी, मैं तुम्हें जो भी सलाह दूंगा तुम्हारे भले के लिए दूंगा। अब आपके सिवा मेरा है ही कौन? तो फिर मेरा एक कहना मानोगी? जी अच्छा, चलो खाना खा लें। जी। बगा, बस नहीं प्याला। मास्टर, मास्टर, वासे, छुटका कहाँ है? किधर है चाहे छुटका, उसको छोड़ने आई हूँ। छुटका, इधर आ बेटा। मैंने छुटके को 2 साल संभाला, इसकी दूध पीने की उम्र खत्म हो गई, अब इसको दारू पीना सिखा और अपना माफिक मवाली बना। छुटके को बहुत बड़ा आदमी बनाएगा,
बहुत बड़ा आदमी। आज तक ब्रिजेश जी की बात कभी गलत नहीं हुई। उनका कहना है कि रूपा बहुत जल्द एक मशहूर कलाकार बन जाएगी। आपको सलाम करता हूं जोशी साहब। किसी भी बेसहारा यतीम लड़की को सड़क से उठाकर हीरोइन बना देते हो और खुद मुफ्त में माल कमा लेते हो। ऐसा तुम्हें लगता है पॉल, हमारी लाइन में सिर्फ चार दिन की चांदनी होती है। दिन रात मेहनत करके पैसा खर्च करके जिसे हीरोइन बनाते हैं वो या तो अचानक एक दिन फ्लॉप हो जाती है और अगर कामयाब हो गई तो हाथ से निकल जाती है और फिर ABCD से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। किस्मत साथ नहीं दे रही जोशी साहब, वरना मेरे दिमाग में कई ऐसी स्कीमें हैं जिनसे हम कुछ ही दिनों में लखपति बन सकते हैं। सिर्फ एक पार्टनर की कमी है जो शुरू में लाख दो लाख रुपए लगा सके। माल लगाए बिना माल नहीं बनता जोशी साहब। हो सकता है कुछ दिनों बाद मैं ही तुम्हारा पार्टनर बन जाऊं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चीयर्स। चीयर्स।
रूपा, रूपा बेटी, रूपा। जी जोशी जी। अरे इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी इधर आओ। क्या बात है? ये देखो बेटी, हर अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। पहले ही प्रोग्राम में तुम लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई हो। हाँ, इसके लिए मैं आपकी और ब्रजेश जी की आभारी हूँ। अरे हमने तो सिर्फ कलाकार बनने में तुम्हारी मदद की, कामयाबी तुमने खुद हासिल की, जिसका सबूत यह है तुम्हारे पहले ही शो की और तुम्हारी जिंदगी की पहली कमाई 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? अभी तो शुरुआत है बेटी, आगे चल के देखना दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। अच्छा ऐसा करो, इसमें से 5,000 तुम रख लो और बाकी मैं खर्चे के लिए अपने पास रख लेता। नहीं नहीं, इसे अपने पास ही रखिए, मुझे सिर्फ 1,000 रुपए चाहिए जिसे मैं दान करना चाहती हूँ। दान? हाँ, पास में जो अनाथ आश्रम है वहां जाकर मैं थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल जाती हूँ। अरे हाँ, दान तो करना ही चाहिए और फिर अपनी पहली कमाई में से तो जरूर करना चाहिए। हाँ? ये लो। मैं भी आई। रूपा जी, हमारा आश्रम हमेशा आपका आभारी रहे। ऐसा न कहिए, इन बच्चों की मदद करके मैं अपना दुख हल्का करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा फिर आऊंगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते रूपा जी। नमस्ते। आपका शो देखा, कमाल का प्रोग्राम था। थैंक यू। जरा ऑटोग्राफ प्लीज। चुपचाप हमारे साथ चले चलो, वरना चाकू आर पार कर देंगे, समझे? चलो। तुमने वैन का दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं सुनी? थोड़ी सी आग लग गई थी। माल भर दिया? हाँ भर दिया। यहाँ से जल्दी से निकल चलो और माल सीधा पाल साहब के घर पहुंचा दो। ओके, अभी लो जॉर्जी। कौन है आप? उन गुंडों के हाथ कैसे लगे थी? मैं अकेली सड़क पर जा रही थी कि अचानक इन गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। समझा। कहाँ रहती हैं आप? 12 नंबर रोड, जोशी विला। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। बैठिए।
जोशी जी। क्या बात रूपा? जोशी जी, मैं आश्रम से वापस आ रही थी कि कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। गुंडों ने? हाँ, वो लोग मुझे जबरदस्ती उठाकर न जाने कहाँ ले जा रहे थे। अगर ये भला आदमी, अरे कौन है? चला गया। उसका नाम तक न पूछ सकी मैं। मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया और मैं धन्यवाद तक नहीं दे सकी। देखा, आज के जमाने में भी शरीफ आदमी है, वरना ना जाने तुम किस मुसीबत में फंस जाती। भगवान भला करे उसका। अब मुझे तुम्हारी हिफाजत का कोई इंतजाम करना पड़ेगा। आज से तुम्हारा बाहर अकेले जाना बंद, समझे? जाओ, जाकर रिहर्सल की तैयारी करो। जी। क्या? अगर तुम्हारे पास इतना खतरनाक गुंडा था तो फिर हमें बुलाने की जरूरत थी? ओह शट अप! इस साले मास्टर के बच्चे ने सारा बना बनाया काम खराब कर दिया। क्या हुआ? कौन सा काम? तुम्हारे मतलब की बात नहीं। ऑल सेट। आज के बाद फिर कभी छोकरी उठानी हो तो किसी और को बुला लेना। कैसी छोकरी? क्या बात कर रहा मास्टर? ये तुम अपने गुंडों से जाकर पूछो। उनकी तो अपन ने बहुत धुलाई कर दिया और छोकरी को उसके घर पहुंचा दिया। लेकिन एक बात सुनो पॉल सेठ, अपन एक गरीब और सीधा साधा आदमी, लेकिन आज के बाद फिर कभी मेरे सामने किसी की बहू बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की तो अपन तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये लो तुम्हारे दिए हुए पैसे। तो ये मेरी मतलब की बात नहीं थी। जरा मैं भी तो सुनूं, किस छोकरी पे पॉल सेठ का दिल आ गया? तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। ओके, नाउ गेट लॉस्ट। आज तो हमारे स्कूल की मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग है, आप ऐसे कीजिए कल आ जाइए। नमस्ते। कहिए। देखिए, हम अपने छुटके को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता है। कितना माल लगेगा? आपको हर महीने 15 रुपए फीस के देने होंगे। बस 15 रुपए महीने में छुटका बड़ा नहीं बन जाएगा? आदमी बड़ा होता है विद्या से, अपने काम से, पैसे से नहीं। लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। रूपा बेटी, ये लो चाबियां, नई गाड़ी तुम्हें मुबारक हो। उमा, ये तुम्हारी मालकिन है। नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत गरीब है बेचारी, लेकिन ईमानदार है। कुछ दिनों पहले इसका पति गुजर गया था, एक बच्चा भी है। आज से इस घर का कामकाज देखेगी, इसे भी सहारा मिल जाएगा। उमा, जाओ गाड़ी में से अपना सामान निकालो। जी अच्छा। आज मैं बहुत खुश हूं रूपा, तुम्हारा नया घर बन गया, गाड़ी भी आ गई, अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमी है वो न जाने कब पूरी होगी। रुपया मिला ना मिला, मगर वो अब तक नहीं मिला। हाँ बेटी, हमने तो अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की है, लेकिन जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसका क्या किया जा सकता। अरे हाँ, याद आया, मैं बैंक जा रहा हूं, ये चेक साइन कर दो। वो कुछ मकान के पैसे देने हैं, फर्नीचर का बिल भी चुकाना है और भी छोटे मोटे खर्चे हैं। पूरा हिसाब किताब मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। किस लिए? सारा लेन देन आप ही करते हैं, हिसाब किताब भी आप ही रख लीजिए। मास्टर, अचानक क्या बात है? ऑल सेट,
अपन को 5000 रुपया उधार मांगता है। आज ही बेटे के लिए खोली लेना है। बेटा तुमने शादी कब की? शादी का एक हो, ये नया जमाना है। जब एक औरत बिना शादी के किसी की बीवी बनकर रह सकती है तो क्या एक मर्द किसी बच्चे का बाप नहीं बन सकता? मास्टर और शट अप, कौन का दमा नहीं। मास्टर मैं किसी को उधार नहीं देता, रुपया एडवांस समझ कर रख लो, काम करा के वसूल कर लूंगा। ये लो। या थैंक यू पॉल सेठ माय बॉय। वो मेरी बेइज्जती कर गया और तुम चुप रहे? जब वो तुम्हें मुंह नहीं लगाता तुम क्यों उसके गले पड़ती हो? वाह वाह क्या बात है मास्टर भैया, छुटके का नई खोली का बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया मास्टर, अल्लाह तुम्हारी तमाम आरज़ूएं पूरी करे। लो मास्टर मेरी तरफ से छुटके की खोली में लगा देना। ये किसकी तस्वीर है? क्यों बज गई घंटी? चुप्पे लंगड़े, ऐसा लगता है मैंने मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ याद आया, काय को बुलाया? मौसी छुटके की नई खोली को तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। ये लो चाबी और अपने हाथ से उद्घाटन करो। क्या खोली लेनी इतनी जल्दी? अरे मौसी तुमने जो हुक्म दिया था। अरे वाह देख लो मौसी, छुटके के पढ़ने के लिए मेज और कुर्सी, नया स्टोव, नए नए बर्तन, नया पलंग, नई चादर, नए तकिए, और किसी बात की कमी हो तो बोलो। सुबह उठ के स्टोव जलाने वाली की? अरे मौसी वो लफड़ा अपने को नहीं मांगता, कहीं उसने छुटके को प्यार व्यार नहीं किया और अपने हाथों उसका सर फूट गया तो। छुटके इधर आ, मौसी के पैर छूकर ये दे दे उसे। जीता रह बेटा। ये क्या है? मास्टर तुम्हारे लिए साड़ी लाया मौसी। मेरे लिए? हाँ इतनी बढ़िया साड़ी मेरे लिए? तुम भी तो बहुत बढ़िया हो मौसी। अरे इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी, तेरा मेरा क्या नाता है रे मौसी। नाता इस जन्म का ना सही, पिछले जन्म का तो हो सकता है, और फिर जिस तरह तुमने बचपन में छुटके को संभाला, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, कोई तो नाता होगा हमारा। एक नाता आंसू पहुंचने का भी तो हो सकता है। रहने दे। मैं तो कहता हूं इस दुनिया में कोई अपना नहीं, बस जिसे प्यार से अपना बना लो वही अपना है। क्यों मौसी? चल हट करम कुट्टे, बस कर। अरे अरे भाजी की टोकरी छोड़कर आई हूं, जाती हूं जाती हूं। हाँ मालकिन, ये आज एक साल का हो गया है, जरा इसके सिर पे हाथ रख दीजिए। ये लो 100 रुपए, इसके लिए कोई अच्छा सा खिलौना खरीद लेना। जी अच्छा।
रूपा, ऐसे कब तक आंसू बहाओगी बेटी? मैंने तो अब उसके मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। मैं नहीं छोड़ सकती, मैं उसकी माँ हूं। मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। भगवान कब तक मेरे बेटे को मुझसे अलग रखेंगे? अगर तुम्हारा विश्वास इतना अटल है तो भगवान एक न एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेंगे। हाँ, मैं ये कहने आया था कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, परसों तक लौटूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उमा से कह देना। छुटके अभी तक पढ़ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तुम पी के आए हो? हाँ, मैं नहीं तो? हाँ करो। अरे यार छोड़ना, बहुत थोड़ी सी पिए। अपन पहले बाटली की बाटली हजम कर जाता था, आजकल तेरे कहने पर बहुत बहुत कम कर दी। मास्टर तुम एकदम ही छोड़ दो ना, पीने वालों को लोग कुंडा मवाली कहते हैं। लोगों की तो खैर छोड़, कोई और बात करते हैं। बता आज स्कूल में क्या पढ़ाए तेरे को? माँ की ममता। आज हमारे स्कूल में एक नया सबक पढ़ा है, जिन बच्चों की माँ नहीं होती वो अभागे होते। नहीं छुटके, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने आज तक अपनी माँ को नहीं देखा, अपने बाप को नहीं देखा, तो क्या मैं अभागा हूँ? बोल मास्टर, मेरी माँ कैसी थी? मैं बताओ ना मास्टर। वो बताओ ना। अब क्या बताऊँ मैं, वो हाँ वो तस्वीर देख रहा है? हाँ। तेरी माँ बिल्कुल वैसी थी। हाँ वैसी थी? हाँ। मेरी माँ इतनी अच्छी थी। हाँ छुटके, आज वो होती तो मुझे कितना प्यार करती। अरे छुटके रो मत, मैं दूंगा तुझे प्यार, माँ का, बाप का, भाई बहन का, सबका प्यार दूंगा। छुटके मेरा भी तो तेरे सिवा इस दुनिया में और है ही कौन। Cheers and good luck. आज दिवाली के दिन हमारे क्लब का उद्घाटन हो रहा है। दिन को नहीं जोशी साहब, रात को हो रहा है। और आज की रात लक्ष्मी जी के आने की रात होती है। वाह वाह क्या बात है। और लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है माया। बैठो माया। थैंक यू। आज की कामयाबी मेरी डार्लिंग माया के हाथ में। डार्लिंग आज शाम को तुम्हारा आइटम इतना शानदार होना चाहिए कि शहर का हर रईस अपना दिल तुम्हारे कदमों में डाल दे, और सिर्फ हमारे ही क्लब में आए और अपनी जेब खाली करके जाए। पानी में आग लगाने की रात है, पानी में आग लगाने की रात है, जलने की रात है। ये जलाने की रात।
करेंगे उसके बाद फोड़ेंगे। अरे मास्टर तो न जाने कब आएगा, वो तो दारू पी के जुआ खेल रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चुटके नहीं तो क्या बात है? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। राजू मेरे छुटके को देखा? नहीं मास्टर। नहीं तो दिवाली मुबारक हो मास्टर। समझे जा, मेरे छुटके को देखा आपने? नहीं तो क्या हुआ, खैरियत तो है ना? समझ नहीं आता है? मैं क्या करूं? अरे तक अपन कुछ नहीं मांगा, छुटके को मिला दे फिर अपन फिर अब कभी कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। कोई अपना नहीं था, मैंने तुझे अपना बनाया, कभी किसी को इतना प्यार नहीं दिया, और तू मुझे छोड़कर चला गया छुटके। ये भी नहीं सोचा कि तेरा मास्टर तेरे बिना कैसे जिएगा। एक बार वापस आ जा छुटके, मैं फिर कभी दारू नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, कोई बुरा काम नहीं करूंगा। सच मास्टर? मास्टर, रोना नहीं मास्टर, रोना नहीं। रोना नहीं मास्टर। मास्टर, मास्टर, मेरा छुटका। मास्टर,
फिर कभी छोड़कर गया ना तो बहुत मारूंगा। चलेगा लेकिन दारू पीकर नहीं। मैं फिर शराब नहीं पीऊंगा छुटके। सच? खाओ मेरी कसम। नहीं, माँ के सामने गन्नू उस्ताद की कसम, मैं फिर कभी शराब को छूंगा तक नहीं। तुम कितने अच्छे हो मास्टर, चलो घर चले पटाखे जलाएंगे। चला जा। शाबाश। सवा रुपया दो। इतने महंगे? अरे बाबा ये अपनी बस्ती है इसलिए 2.5 रुपए किलो देती हूँ, शहर में जाके देखो 6 रुपए किलो मिलता है। अच्छा अच्छा ये लो। ए मौसी, अरे, जल्दी से 2-4 मोटी मोटी गालियों वाली आशीर्वाद दे दे। हा? नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। अरे नहीं रे, अब मैं तुझे गालियाँ नहीं दूंगी, भगवान ने तुझे अच्छी अकल दी है, अब अच्छे रास्ते पर चलना, जीते रहो। मिश्रा जी वो बात ऐसी थी कि मैं जब वहां पहुंचा ना तो कम। पॉल सेठ। अच्छा मास्टर मैं चलूं। अच्छा जी। मास्टर हमें तुमसे बहुत जरूरी और एक खास काम करवाना है, उसके लिए हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। बड़ी मेहरबानी पॉल सेठ, मैंने खोटा काम करना छोड़ दिया है। अरे खोटा काम करने के लिए कौन कह रहा है, तुम्हें तो सिर्फ गाड़ी चलानी होगी। जो बुरा धंधा करता है उसका कोई भी काम करना खोटा काम है। मास्टर। ए पॉल सेठ आवाज मत चढ़ाओ, तुमसे 5,000 रुपए लिया है ना, उसे भूल जाओ। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना ही होगा। तुम 10,00,000 रुपया भी देगा ना तो भी नहीं करेगा। जाओ किसी और को ढूंढो। अरे मास्टर। नमस्ते बोलो साहब। तुम जा कैसे? ड्राइवर की नौकरी के लिए आया था मगर वो भी लग गई। तो फिर क्या हुआ, तुम तो मास्टर हो ड्राइवर की, तो मैं कह रही की नौकरी कर लो। तुम एक काम करो भाई साहब के गैरेज में चले जाओ। जगदीश भाई साहब। हाँ। अच्छा बोले साहब। ये क्या लेके आए हो? डुप्लीकेट माल है सारा, बोगस है सब। वापस चले जाओ। नमस्ते जगदीश भाई साहब। नमस्ते जी। बोलू साहब ने भेजा है, अगर कोई मैकेनिक का जॉब हो तो मुझे दे दीजिएगा। फिलहाल तो कोई मैकेनिक का जॉब नहीं है। कमाल है, आज सुबह से जहां भी जा रहा हूँ यही जवाब मिल रहा है। अच्छा भाई साहब क्या हुआ मास्टर? क्या बताऊं जुमन चाचा, इस दुनिया के रंग देख रहा हूं। बुरे धंधे वाला काम घर बैठे मिल जाता है और ईमानदारी की नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। मास्टर तुम जल्दी से खोली पर जाओ। क्यों? पुलिस आई है बेटा। पुलिस? लेकिन बात क्या है साहब? आ गया। क्या बात है वल्लर साहब? तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों? ऑर्डर मिला है। ये लो चाबी और ले लीजिए तलाशी। अपने हाथ से खोलो। चलिए आइए। ये देखिए। अफीम? अफीम? मेरी खुली में कहां से आई? जहां से हराम के पैसे आए। मौसी अब पता चला ये खुली, ये सारा सामान रातों रात कहां से आया? आपू का धंधा करके? नहीं मौसी ये बिल्कुल झूठ है। मैं अच्छा आदमी बनने की शपथ खाई थी, आशीर्वाद लेने आया था मुझसे। मैं सारी बस्ती से कैसे फिरी? मेरा मास्टर सुधर गया है, वो अब कभी बुरा काम नहीं करेगा। लेकिन तूने मेरे विश्वास को धोखा दिया। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों धोखा दिया?
क्यों धोखा दिया मास्टर? मैं निर्दोष मौसी। और जा जाओ मुझे मौसी का। चलो चलो चलो। छुटके तुम सीधा गोली पर जा। देख मैंने अपनी कसम नहीं तोड़ी, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। छुटके सीधा गोली पर जा। अभी जिनको पुलिस लेगी वो तुम्हारे कौन लगते हैं? पिताजी। अच्छा अच्छा रोना नहीं, तुम जानते हो पुलिस उन्हें क्यों लेगी? मैं इतना ही जानता हूँ मास्टर कोई बुरा काम नहीं कर सकता, उसने कसम खाई है। मास्टर कौन बेटी? मेरे पिताजी, सब लोग उन्हें मास्टर कहते हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारी माँ को मालूम है कि तुम्हारे पिताजी को पुलिस ले गई? मेरी माँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? छुटका। आओ मेरे साथ। चलो मास्टर साहब ने बुलाया, जमानत हो गई है तुम्हारी। जमानत? कौन दे सकता है जमानत? अरे छुटके तू यहां कैसे बेटा? तुम्हारी जमानत इन्होंने दे दी है मास्टर। आप अचानक आपके छुटके से मुलाकात होगी और मैं आपकी मदद कर सके। मदद? आपने तो बहुत बड़ा एहसान किया, वरना न जाने कब तक हवालात में पड़ा रहता। एहसान तो आपने किया था मुझ पर, मुझे जिंदगी दी थी, मैंने तो सिर्फ जमानत दी है। इंस्पेक्टर साहब अब ये जा सकते हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ। मास्टर हो सके तो फिर लौट कर यहाँ मत आना। चल छुटके। पुलाव बनाया ना? जी हाँ। गरम गरम लिया जी। अच्छा अरे आप लोग शुरू कीजिए ना। क्या बात है? बात यह है कि खाना शुरू करने से पहले छुटका अपने हाथ से पहला निवाला मुझे खिलाता है। मास्टर मुझे आदत सी पड़ गई है। तो फिर जल्दी से खिलाइए ना, भूख मुझे भी लगी है। ये तू ले। ले 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 शुरू करो। ले बेटा जो चाहिए ले लेना, शर्माना नहीं। खाने के मामले में हम लोग बड़े बेशर्म हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। रोज या तो हम लोग होटल में खा लेते हैं या मैं और छुटका मिलकर कुछ उल्टा सुल्टा बना लेते हैं। ऐसा बढ़िया खाना न जाने फिर कब मिले। आपका छुटका मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है। छोटी सी मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ। मैं भी आपको बहुत पहले से जानता हूँ, रोज अपनी खोली में आपको देखता हूँ। मुझे अपनी खोली में एक कैलेंडर है, उसमें आपकी तस्वीर है। मास्टर बोलता है मेरी माँ बिल्कुल आप जैसी थी। चुप है, चुपचाप खाना खा, किसी के सामने कुछ भी बोल देता है। मास्टर मैंने कोई गलत बात की? नहीं नहीं बेटे। अच्छा आप ये तो बताइए कि लोग आपको मास्टर क्यों कहते हैं? मेरे एक उस्ताद थे, उनके गैरेज में मैंने 12 बरस मोटर रिपेयरिंग का काम सीखा। वो मुझे प्यार से मास्टर बुलाते थे। आहिस्ते आहिस्ते सभी लोग मुझे मास्टर कहने लगे। अच्छा तो आप मोटर मैकेनिक हैं? जी हाँ, मोटर रिपेयरिंग हो या ड्राइविंग हो अपन दोनों चीज में मास्टर हैं। आजकल कहाँ काम करते हैं? देखिए जी, कहीं नौकरी करने का मतलब है गुलामी, और अपन ने आज तक किसी की गुलामी नहीं की, लेकिन लगता है अब करनी पड़ेगी। वो क्यों? छुटके के लिए।
अपना तो जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, इस छुटके को बहुत बड़ा आदमी बनाने का। फिर तो आपको अपना गैराज खोल लेना चाहिए। अपना गैराज खोलना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, उसके लिए कम से कम 20-25 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। ऐसा कीजिए, आप कल सुबह आकर मुझे मिल लीजिए। अच्छा जी, चलते। नमस्ते। अरे सुनिए, आज शाम को भाईदासोल में मेरा डांस प्रोग्राम है, आप छुटके को लेकर जरूर आइएगा। जी आ जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बिल्कुल नई आइटम पेश कर रहे हैं। जी हां, बात कुछ मियां बीवी की है और जिसे आपकी चहेती कलाकार रूपा देवी अपने निराले और दिलकश अंदाज में अदा कर रही है। मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम पर हर मियां बीवी को नाज होगा। Hey!
अपना गैराज है, खाली पड़ा हुआ है, मेन रोड के पास भी है, आप फौरन काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन काम शुरू करने के लिए मुझे रुपया कौन देगा? मैं दूंगी। आप? हाँ मैं, मेहनत आपकी, रुपया मेरा। देखिए जी, अपन को रुपया उधार चाहिए, ब्याज पर, किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। तो मैं भी ब्याज पर ही पैसे दूंगी, वो भी 2.5%। शिकारपुरिया रेट। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? इसलिए कि आप छुटके को बड़ा आदमी बना सके। आप दोनों के रहने का इंतजाम भी यही हो जाएगा, उस बगीचे वाली कॉटेज में। लेकिन इसमें भी कोई मेहरबानी नहीं, मैं आपसे किराया लूंगी। गैराज के पास रहने से आपको भी आसानी होगी और मैं भी छुटके से रोज मिल सकूंगी। लेकिन इसमें एक खतरा है। क्या? छुटका एक ही दिन में आपके गुण गाने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भूल जाए। ऐसा कभी हो सकता है? अपना अपना ही होता है और पराया पराया। खैर, काम शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? कम से कम 5,000 रुपए। आइए मेरे साथ। कल तुम उस आदमी को हवाला से छुड़ा लाए, आज उसे 5,000 रुपया दे दिया, गैरेज दे दिया, घर दे दिया, ऊपर से 25,000 रुपए देने का वादा भी कर दिया। कम से कम मुझसे पूछा तो होता। भूलोगे, लेकिन मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। एक अजनबी को इतनी बड़ी रकम दे देना कहां की अकलमंदी है? जब तक तुम्हारे बिजनेस की देखभाल मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें इस तरह पैसा नहीं उड़ाने दूंगा। जोशी जी, मैंने तो सिर्फ उस आदमी के एहसान का बदला चुकाने की कोशिश की जिसने एक दिन मेरी इज्जत बचाई थी। इज्जत के आगे रुपया कुछ नहीं होता जोशी जी। तुम ठीक कहती हो बेटी, लेकिन रुपए पैसे के मामले में मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। जमा करने में वक्त लगता है, जाने में देर नहीं लगती। वैसे पैसा तुम्हारा है, तुम जैसे भी चाहो खर्च कर सकती हो। ओके? मौसी, ये लो चाबियां, अब इस खुली में तुम रहना। बिजली, मौसी का ख्याल रखना। मास्टर, हम सबको छोड़ के जा रहे हो। मास्टर, कभी कभी छुटके को लेकर मिलने आना। मौसी रो मत, तुम मिलने की बात कर रही है। आप सबको और इस बस्ती को मैं कभी भूल सकता हूं? गनू उस्ताद के चले जाने के बाद मैं अकेला रह गया था, कोई भी तो नहीं था इस दुनिया में मेरा। आप सबने मुझे प्यार दिया, अपना बनाया। सबका इतना एहसान है मुझ पर, क्या मैं 100 जन्म लेकर भी नहीं उतार सकूंगा मौसी। मास्टर, thank you.
जरा उधर देख। अल्ले, ये लड़का कौन है? ये चुटका है, बिल्कुल राजा बेटा लग रहा है। खैर, ये क्या? इसे किसी की नजर नहीं लगती। तेरी माँ होती ना तो वो भी यही करती। अगर तुम्हारा बेटा होता तो मैं भी यही करती। तू हंस क्यों रहा है? हंसी आ गई। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी माँ करती वो तुमने कर दिया, इसलिए तुम मेरी माँ हो गई और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। आ मेरे साथ आ। अरे वाह, इतने सारे खिलौने, ये सब किसके हैं? तेरे। मेरे? हाँ तेरे। ये सब खिलौने भी तेरे हैं और ये कमरा भी तेरा है। आज से तो यही पड़ेगा, यही खेलेगा। लेकिन ये सब तो मुझे किसलिए दे रही हो? भूल गए? अभी भी तूने कहा था ना कि मैं तेरी माँ हो गई हूँ और तू मेरा बेटा। माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ, मास्टर, क्या बात है? कल से आपको नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी मेरे साथ ही खाना होगा। क्यों? इसलिए कि छुटका आपके बिना नहीं खाता और अब छुटके के बिना मैं भी नहीं खा सकती। मैं रेसल के लिए जा रही हूँ, रास्ते में छुटके को स्कूल छोड़ दूंगी। हाँ चल। वाह 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 वाह, छुटका तो फिट हो गया मास्टर, और तुम्हारा भी नाश्ते से लेकर डिनर विनर तक फिट हो गया। लेकिन ये हमारा उसल पाव से लेकर राइस प्लेट तक पीछा कब छूटेगा? मास्टर जरा एड्रेस देना। किसका? उस खुदा का जिससे तुम किस्मत लिखा के लाए हो। चुप है, जाकर काम करो। क्या मैं करेगी डिलीवरी दे दी? नो मास्टर। आप लीजिए ना। तुम देखो बेटे, इतनी जल्दी डाइनिंग टेबल तक पहुंच गए। अगर यही रफ्तार रही तो एक दिन वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक तुम भी नहीं पहुंच सके। रुको मत, अपना काम करो। वो तो मैं कर ही रही हूं। छुटके, ओ छुटके, छुटका। अरे आप छुटके को लेकर कहीं बाहर जा रही हैं? जी हाँ, और आपको भी हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? आज छुट्टी है ना, इसलिए छुटके ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। लेकिन मैं तो इसे लेकर बस्ती जाना चाह रहा था, कई दिनों से नहीं जा सका हूँ। मौसी ने जाने कितना खुश रही होंगी। तो शाम को चली जाइएगा। मास्टर जल्दी से तैयार जाओ, 5 मिनट में। ये घड़ी किसने दी? मैंने दी है। आप तो इसे बिल्कुल बिगाड़ रही हैं। जो बेटा अपने बाप को सुधार सकता है उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। ए छुटके, तूने मेरे बारे में इनको क्या क्या बताया? सब कुछ। क्या कर लोगे? अब जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए ना ऐसे चलते हैं। वैसे 1 रुपए दो। क्यों बे? मैं साइकिल चलाऊंगा, किराए पे मिलती है ना। ये ले। बैठे ना। छुटके कारण आज घर से बाहर निकलने का मौका मिला।
वरना रिहर्सल प्रोग्राम और घर के सिवा कहीं आना जाना ही नहीं होता। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी शांति है यहाँ पर। डार्लिंग, दे दो ना प्लीज। नहीं दूंगी। नहीं दोगी? नहीं दूंगी। तो फिर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, दे दो। बिल्कुल नहीं। क्या पिकनिक में तुम इसलिए आए थे? मान जाओ डार्लिंग, प्लीज। नहीं। देखो घर में कितना बंधन है, छुट्टी के दिन बाहर आके थोड़ी सी तो मनमानी कर लेने दो, इतना मत तरसाओ डार्लिंग। कह दिया ना, नहीं नहीं नहीं। अच्छा सिर्फ थोड़ी सी? अच्छा ठीक है, थैंक यू। लेकिन जल्दी खत्म करो, घूमने चलना है। जो हुकुम सरकार। अरे सुनो, माँ जी मुझसे बहुत नाराज है। क्यों? कहती है 5 साल हो गए शादी को लेकिन अभी तक तुम्हारी गोद सुनी है। अरे डार्लिंग, अगर तुम कोऑपरेट करो ना तो माँ जी अगले महीने ही खुश हो जाए। चलो हटो, वो देखो कितना प्यारा बच्चा जा रहा है। हाउ स्वीट। मैं वो छुटके को देख रहा था, साइकिल कितने से चलाता है ना। हाँ, मैं भी छुटके को ही देख रही थी। आप चाय पियेंगे? हाँ चाय। थैंक यू। अच्छी है। थैंक यू मास्टर। वो फोटो खींचते 25 रुपए में 2 कॉपी, वो भी कलर। ईस्टमैन। नहीं नहीं, हमें कोई फोटो नहीं खिंचवानी। क्यों नहीं, एक यादगार रहेगी, खिंचवा लीजिए ना। जाओ बेटा अपने डैडी और मम्मी के पास खड़े हो जाओ। जाओ जाओ खड़े हो जाओ। वेरी गुड। आप लोग रेडी है? यस रेडी। एक मिनट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक मिनट। अरे कमाल है, हम बच्चे और मम्मी से डैडी इतनी दूर। जरा करीब आइए, और करीब आओ, और मोर क्लोज, और मोर क्लोज, मोर क्लोज। अरे आप शर्माते क्यों हैं? आप ही की है ना। जब फोटोग्राफर कह रहा है तो थोड़ा करीब आ जाइए ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल, ये हुई ना बात। डोंट मूव, एरिया मत, यस ये मत। हो गया जी, मैं भी सोने जा रहा था, आपकी आवाज सुनी तो चलाया। मेरी तो आदत है जब कभी नींद नहीं आती तो कुछ देर के लिए यहाँ चली आती हूँ। आप कुछ छुपा रही हैं जी? मैं, आप भी तो कुछ छुपा रहे जी। मेरे हाथ में तो ये तस्वीर है।
मेरे हाथ में भी यही तस्वीर है। छुटका कह रहा था कि तस्वीर बहुत अच्छी आई है आपकी। छुटका तो पागल है। अगर यही बात मैं कहूं तो क्या आप मुझे भी पागल समझेंगे? Oh,
नमस्ते रूपा जी। नमस्ते, बैठे ना। धन्यवाद। कहिए, कैसे आना हुआ? आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया था। बोलिए। हमें स्कूल के फंड के लिए आपका एक चैरिटी शो चाहिए। लेकिन इस बार सिर्फ 5,000 रुपया स्वीकार कीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी क्या की, चैरिटी शो के लिए तो मैं इतना ही लेती हूँ। आप क्या कह रही हैं रूपा जी, जोशी जी ने तो आज तक 10,000 से पैसा कम नहीं लिया। ये लीजिए 5,000 का चेक। नहीं, स्कूल के लिए मेरी तरफ से छोटी सी भेंट समझ कर रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा जी, नमस्ते। कभी सीधी नहीं होती कुत्ते की दुम, कभी सीधी नहीं होती कुत्ते की दुम, कभी सीधी नहीं होती कुत्ते की दुम। रूपा बेटी, वो नाने गई है। तू चुप कर, तुझसे किसी ने पूछा? क्या बात है जोशी जी, कहिए। कुछ नहीं बेटी, कल रात मैं तुम्हारे शो पर नहीं आ सका, किसी जरूरी काम में फंस गया था। कैसा रहा प्रोग्राम? अच्छा था, सब लोगों को बहुत पसंद आया। रूपा देवी का प्रोग्राम और पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? अरे हाँ याद आया, वो कुछ बहुत जरूरी पेमेंट्स करनी है, इस चेक पर साइन कर देना। पेन। ये तो कोरा है, मेरी किताब में लिखा है कोरे कागज पर कभी साइन नहीं करना चाहिए। बकवास बंद कर और चला जाए यहाँ से। आप तो खामखा बिगड़ रहे हैं, बच्चे ने कोई गलत बात तो नहीं की। चल बेटे बाहर जाके खेलो। देखो बेटी, आजकल के जमाने में किसी पे भी ज्यादा मेहरबानी करना या आंख बंद करके विश्वास करना ठीक नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं जोशी जी, मुझे आप जितना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं भी अपना बुरा भला समझने लगी हूँ। हाँ छोड़ी, ये बताइए कितने का चेक लिखना है और किसको पेमेंट करना है? ये तो पहले तुमने कभी भी नहीं पूछा। अभी अभी आप ही ने तो बताया कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये कि तुम्हें मुझ पर शक है? कल ही मुझे पता चला कि आपने मेरे चैरिटी प्रोग्राम के हमेशा 10,000 रुपए लिए हैं और मुझे सिर्फ 5,000 रुपए बताया। इसलिए कि तुम्हें अपने ऊपर होने वाले खर्चों का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम्हारी पब्लिसिटी, तुम्हारे कपड़े, देवर, कार, बंगला, नौकर चाकर, ये सब कहां से होता है? उस कमरे में कम से कम तुमने 10,000 रुपए के खिलौने रखवाए होंगे। 25,000 रुपया तुमने उस आदमी को गैरेज के लिए दे दिया। पैसा जिस तरह से आता है रूपा देवी जी, उसी तरह से खर्च भी हो जाता है। और फिर तुम्हें तो अपने भले बुरे की भी तमीज नहीं है, वरना उस गुंडे को हवालात से छुड़ाने के बाद अपने सर पर बिठा कर नहीं रखती तुम। जोशी जी, मास्टर के खिलाफ मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम बेवकूफ हो रूपा, उसने तुम्हें अपने बच्चे के मुंह के जाल में फंसा लिया है और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे दिलो दिमाग पर हावी हो गया है। तुम उसके इशारों पर नाचने लगी हो। जोशी जी, वो तुम्हारा सब कुछ लूट कर तुम्हें एक दिन उसी सड़क पर पहुंचा देगा जहां से उठाकर मैंने तुम्हें इतनी बड़े कलाकार बनाया। आपने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ के लिए किया, पैसा कमाने के लिए किया। आप जैसे आदमी न मास्टर को समझ सकता है न परख सकता है। मास्टर के लिए मेरे दिल में इतनी ऊंची जगह है कि अगर वो मेरी जान भी मांगे
तुम्हें खुशी से दे दूंगी। समझा, अब तुम्हें और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आखिर तुम अपनी असली औकात पर आ ही गई। भिखारी राजा होने के बाद भी सबके सामने हाथ फैलाता है। नाली का कीड़ा नाली में ही पनपता है। आप यहां से चले जाइए हमेशा के लिए। बकवास बंद। बकवास आप बहुत कर चुके हैं, अब जरा कान खोलकर सुनो। हमने जिंदगी में किसी का एक पैसे का एहसान नहीं लिया, किसी को धोखा नहीं दिया। किसी ने पीठ पीछे गाली दी तो उसे माफ कर दिया, लेकिन अगर किसी ने मुंह पर बुरा बोला तो उसका हम तोड़। मास्टर, इन्हें जाने दीजिए। जाओ, तुम बच गए चाचा, नहीं तो नकली दांत लगाने पड़ते। जाओ। थे जोशी जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। इसीलिए तुम्हें बुलाया है। जो काम मैं नहीं कर पाया शायद तुम कर सको। हुक्म कीजिए। नमस्ते जी। टाटा। नमस्ते नमस्ते। जरा ये उठा लीजिए, ये मिठाई के। तुमको तो यहाँ देर लगेगी, मैं जरा छुटके को लेकर बस्ती हो आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना। बाय बाय। मासी, तुम्हारी तकलीफ दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं आज ही जाके मास्टर को खबर करती हूँ। नहीं रे, उसने नया नया काम शुरू किया है, सुनेगा तो भागता चला आएगा, नुकसान हो जाएगा उसका। वो सुखी रहे, उसका छुटका जीता रहे, बस और कुछ न कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मौसी। अरे तू आ गया, आजा। हाँ मौसी। अरे तेरा बदन तो बुखार से जल रहा है, मुझे बुलाने के लिए किसी को भेज नहीं सकती थी? हाँ, बस्ती के सब लोग मर गए थे क्या? क्योरी, तेरे पांव भी टूट गए थे जो मुझे खबर देने नहीं आई? अरे रहने दे, मेरा बुखार तो तुझे देखकर, हाँ और छुटके को देखकर भाग गया। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। नहीं मौसी, तुम इस तरह नहीं मानोगी, मैं ही तुम्हें डॉक्टर पास ले चलता हूँ। चलो उठो। आओ, आज मेरे हाथ में आ जाओ। लो, भगवान सबका कल्याण करे। जी आप, मुझे तुमसे कुछ कहना है बहन। मुझसे? तुम्हारी भलाई के लिए। आओ मेरे साथ। मैं अभी आई। जी अच्छा। आपका परिचय?
जोगन का कोई परिचय नहीं होता। मैं तो माया मोह के सारे बंधन तोड़ चुकी हूँ, फिर भी मनुष्यता के नाते मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें आने वाली कल की चेतावनी दे दूं। क्या मतलब? मैं मंदिर जा रही थी कि अचानक मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ मोटर में आते देखा जिससे बड़ा नीच और पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो मोटर चला रहा था। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। आज से कुछ साल पहले मैंने भी यही सोचा था, उसके जाल में फंसकर मैंने उससे शादी की, एक बच्चे की मां बनी। मैं लखपति बाप की बेटी थी, पिताजी की मर्जी के खिलाफ मैंने उससे शादी कर ली। जब मेरे समझ में आया कि उसे मुझसे नहीं मेरे पिता की दौलत से प्यार है, तब मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने मुझे छोड़ने की धमकी देकर पिताजी से बहुत बड़ी रकम मांगी, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? उसके बाद उसने हमारे घर की जवान नौकरानी पर डोरे डाले, उससे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। दोनों पकड़े गए, पिताजी ने उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जानती हो उस नीच ने मुझसे क्या बदला लिया? मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे अलग कर दिया, मेरे बेटे को लेकर चला गया वो। आज अचानक उस आदमी को फिर देखकर मुझे अपना दुर्भाग्य याद आ गया। तुम्हें सब कुछ बताए बिना मुझसे रहा नहीं गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझ जैसा हाल तुम्हारा ना हो, भगवान सबका कल्याण करे। जिससे बड़ा नीच और पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। नहीं मास्टर, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते। मेम साहब, आपने याद दिलाने को कहा था, आपने रिहासी पे जाना है। ठीक है, तुम जाओ। ये ड्रॉ सिर्फ तू खोलती है, इस कमरे में सिर्फ तू आती है। बता मेरे जेवर कहाँ हैं? अब क्या मुझे चोर समझ रही है? देख, मैं सीधी तरफ पूछ रही हूँ। अगर तू सच सच नहीं बताएगी तो मुझे पुलिस में खबर करनी पड़ेगी। हाँ नहीं नहीं, पुलिस को खबर मत कीजिए। आपके जेवर मैंने मास्टर के कमरे में छुपा दिए। मास्टर के कमरे में? हाँ, अलमारी के अंदर। मास्टर ने कहा था। क्या कहा था? चुप क्यों हो गई? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर मैंने बता दिया तो वो मेरा मुंह तक नहीं देखेंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद सबको मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? साफ साफ बता, नहीं तो मैं भी टेलीफोन करती हूँ पुलिस को। नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरे साथ मास्टर को भी जेल हो जाएगी। सेवन मैंने उनके कहने से उठाए हैं। क्या भक्ति है! मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे एक मर्द के सहारे की जरूरत थी। मास्टर जब यहाँ आए, मैंने हर तरह से उनकी सेवा करके उन्हें खुश किया, और वो भी मुझे चाहने लगे, और अब मुझसे शादी करना चाहते हैं। तू झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, सिर्फ पैसे की कमी हमारी शादी में रुकावट बनी हुई है। मेरी शर्म, चल जा यहाँ से। मैं कहती हूँ चल जा यहाँ से। अब मैं एक मिनट पीस कर मैं नहीं रह सकती, मैं अभी जाकर उनसे सब कुछ कह देती हूँ। उसने हमारे घर की जवान नौकरानी पर डोरे डाले,
उससे चोरी करने पर मजबूर कर दिया। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? कह रही जा रहा था, क्यों? कुछ नहीं, बाजार जा रहे थे। मैंने सोचा आपसे पूछती चलूं, आप शाम को मटन खाएंगे या चिकन? मछली? ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उनसे जाकर पूछो ना। लो, मैं सबसे पूछती हूँ तो वो कहते हैं आपसे पूछो, और आपसे पूछती हूँ तो आप कहते हैं उनसे पूछो। ठीक है, जो मेरे मन में आएगा मैं बना दूंगी। सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ। मास्टर किसका नाम है? जी मेरा। चलो हमारे साथ। कहाँ? तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। ए? मेरे कमरे की तलाशी? हाँ चलो। चलिए। एंगल, ये चक्कर क्या है? कुछ गड़बड़ लगती है। जी हाँ, ये जेवर मेरे हैं। ये जेवर तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंचे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। आप मेरी नौकरानी को ढूंढिए जिसने इस आदमी के कहने से मेरे जेवर चुराए हैं। रूपा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने नीच हो सकते हो। क्या भक्ति हो तुम? देखो रूपा, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। चुप रहो धोखेबाज मक्कार, अब मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो गई है। तुमने दौलत की लालच में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, माँ से उसके बच्चे को छीन लिया। ये सब तुम क्या कह रही हो रूपा? जो तुम्हारी बीवी ने मुझे बताया। बीवी? उस बेचारी ने तो दुनिया छोड़ दी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब झूठ है, बकवास है। रूपा, तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा, तो क्या ये भी झूठ है कि तुम जेवरों को बेचकर उमा से शादी करने वाले थे? रूपा, इंस्पेक्टर, उस आदमी को यहां से ले जाइए। हवलदार, ले चलो। चलो। मास्टर! छुटके! अनिल चाचा, मेरे मास्टर को पुलिस क्यों ले जा रही है? अपनी मम्मी से जाके पूछ। मम्मी, 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 खबरदार जी, मुझे मम्मी कहा, चले जाओ यहाँ से, और फिर कभी यहाँ मत आना। मास्टर, मास्टर, कौन? तुम फिर आ गए? मैं मास्टर की मौसी हूँ, ये लोग मेरे साथ आए। किस लिए? तुमको समझाने के लिए, तुमको बताने के लिए कि तुमने देवता जैसे आदमी पर चोरी का आरोप लगाकर कितनी बड़ी भूल की। मैं इस धोखेबाज का नाम तक नहीं सुनना चाहती। अगर भगवान भी मेरे सामने आकर कह दे कि मास्टर ने किसी को धोखा दिया है, तो मैं भगवान को भी मानना छोड़ दूंगी, लेकिन मास्टर को कभी गलत नहीं समझूंगी। मैंने उसे गोद में खिलाया है, बेटे की तरह पाला है। तुम कैसी औरत हो, इतने दिन उसके साथ रह के उसे नहीं समझ सकी? फरिश्ते को हर आदमी नहीं पहचान सकता मौसी। मास्टर क्या है मेम साहब, ये हम तीनों से पूछिए। हमें ना अपने माँ बाप का पता है, ना अपने धर्म का। मास्टर ने हमें इंसान बनाया, वरना या तो हम चोर डाकू बन गए होते या रास्ते पर भीख मांगते फिरते। हमारी बेकारी में अगर एक रोटी हुई
तो मास्टर ने हमारे साथ बांट के खाई। मेम साहब, मास्टर के एक इशारे पे अपन जान भी दे सकता है। इनकी बात तो छोड़ो, बस्ती में जाके पूछो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर मास्टर के उपकार नहीं है। वो किसी का कुछ भी नहीं है, फिर भी सबका सब कुछ है। ऐसा आदमी तुमको धोखा देगा? अरे तुम्हारे नागे ने चुराएगा? छी छी, ऐसी बात सोचना भी पाप। इसका मतलब है कि आप लोग जानते नहीं कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया और इस बच्ची को उससे छीना। बीवी? बच्चा? ये क्या बोल रही हो तुम? मास्टर शादी करता और अपने मौसी को नहीं बताता? तो फिर ये किसका बच्चा है? ये तो भगवान ही जाने, ट्रक में छोड़ गया था कोई। छुटका, ट्रक में कब मिला था, कहाँ मिला था? राजपुर गांव के पास, पंजाबी ढाबे के सामने। रामनवमी थी उस दिन। तू मेरा बेटा है। हाँ, तू मेरा बेटा है। मेरा तुम्हारा बेटा? हाँ, मुझे भागे ने इसी ट्रक में छोड़ा था। प्यासे गला सूख रहा था, मैं पानी पीने चली गई और ट्रक चला गया। हमेशा तेरी याद में तड़पती रही, तरसती रही। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। जब मेरा बेटा मिला तो मैं अपने बेटे को पहचान तक नहीं सकी। मेरा बेटा। चार, चार, मेरा, चार, 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 बेटे, चार, मैं तुम्हारी माँ हूँ। छुटका, छुटका, मुझे मेरे मास्टर को जेल भिजवाया। छुटका, अब वो तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा। छुटका मास्टर के बिना नहीं रह सकता। तुमने मास्टर को फंसाया, भगवान ने तुमको सजा दे दी। चलो बेटा। कभी कभी ऊपर वाला भी अजीब मजाक करता है। अपन छुटके को अनाथ समझकर अपने कलेजे से लगाया, पाला, पोसा और आज छुटके को उसकी मां मिल गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन छुटका तो अपनी मां के मुंह पर थप्पड़ मार के चला आया। नहीं नहीं, छुटके ने यह अच्छा नहीं किया। रूपा उसकी मां है, उसके पास पैसा है, वो जो छुटके के लिए कर सकती है अपन नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में एक ही आरजू थी कि छुटका एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने। अब छुटका जरूर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अब इसके बाद सारी जिंदगी जेल में कट जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन साला ये जो झूठा चोरी का इल्जाम लगाए ना, अपन उसको मिटा के रहेगा। उमा जोशी, तुम में से कोई जोशी का घर जानता है? हाँ। ठीक है, उसके घर पे ध्यान रखना। अच्छा, ताकि अपन सब देख लेगा। चलो।
सर ये ज्वेलरी की थेफ्ट का केस है। मास्टर और चोरी? ये सर। साहब मास्टर तुम चोरी कब से करने लगे? मैंने चोरी नहीं की साहब, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। पको मत, जेवरात तुम्हारे कमरे से बरामद हुए हैं। किसने लगाया इल्जाम? उमा जोशी के घर में है। साहब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? क्या बात है मास्टर? आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मैं असली मुजरिम को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं साहब। मास्टर मैं अपनी 20 साल की नौकरी का रिस्क लेकर तुम्हें छोड़ता हूं, तुम जा सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। ये आपने क्या किया सर? भिंडे तुम्हें वर्दी पहने हुए अभी 1 साल हुआ है। यस सर। और मैं मास्टर को पिछले 10 साल से जानता हूं। कौन है? हमें जोशी जी ने भेजा। क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुमने रूपा के दिल में मेरे खिलाफ जहर क्यों भरा, मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? अपनी मजबूरी के कारण। बको मत। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने मेरे साथ इतना बड़ा कमीनापन किया? जानना चाहते हो? ठहरो। मास्टर सबको मार भगाया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा जवाब नहीं है मास्टर, हम उन्हें गेट तक छोड़ के आए हैं मास्टर। लेकिन वो कहाँ है? यही है। ये है मेरी मजबूरी, मेरा बच्चा। मां होकर मैं इसका गला नहीं घोट सकती थी, इसे जिंदा रखने के लिए पैसा चाहिए था। वो कमीना जोशी मुझे 1 लाख रुपया देने वाला था। जोशी? हाँ, और मैंने वादा किया था मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारा जोशी के साथ क्या संबंध है? वो इस बच्चे का बाप है। समझा। उसे शादी करने का वादा करके उसने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। मैं क्या करती? इसकी खातिर उसके इशारों पे नाचने लगी। उसी ने मुझे रूपा जी पे नजर रखने के लिए उनके अकाम पे रखा। उसी ने मुझे आप जैसे भले आदमी को बदनाम करने के लिए मजबूर किया। अब आप मुझे जी भर के गालियां दीजिए, मुझे सजा दीजिए, मैं इसे लायक हूं। नहीं, असुपोष डालो। सुनो, आओ मेरे साथ। हेलो, क्या कहा? वो अभी जिंदा है? हाँ, और अब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। के पास कमीने, तुम्हारे दिल में अपने बच्चे के लिए भी रहम नहीं है,
तुम मेरे साथ इसे भी खत्म कर देना चाहते थे? तुम इंसान नहीं शैतान हो। ये जानकर भी तुम मुझ जैसे शैतान के पास अकेली चली आई? तुम्हारा बच्चा मासूम है, बेजुबान है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं, मगर तुम पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें 1,00,000 रुपया दे भी देता तब भी तुम मुझे जिंदगी भर ब्लैकमेल करती रहती। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। जागो राखे साईया, मार सके ना कोई, पाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। कौन हो तुम लोग? मैं डिबरी, ये हैंडल, जिनके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। चले जाओ यहाँ से वरना गोली मार दूंगा। हमारा शुक्रिया अदा करो जोशी जी कि तुम्हें खून के इल्जाम से बचा लिया, लेकिन जो इल्जाम तुमने हम पर लगाया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मास्टर मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे, मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मैं वादा करता हूं। तुम वादा तो करते हो लेकिन पूरा नहीं करते। अच्छा। तुमने उम्मा को 1,00,000 रुपया देने का वादा किया था कि नहीं? मैं दे दूंगा, मेरे पास कैश तो नहीं है इस वक्त, चेक दे देता हूं। चलेगा, लिखो। अबे लिख, कमी ना कहीं का। मास्टर आ गया है ना रास्ते पर। हाँ। मैं जाता हूं। फिर कभी शहर में नजर आए तो? नहीं आऊंगा। तो फिर चलो, हम तुम्हें स्टेशन तक पहुंचा कर आते हैं। कौन से स्टेशन? पुलिस स्टेशन। हाँ चलो चल। हेलो, कौन? रूपा देवी? जी हाँ। मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। आपने मास्टर के खिलाफ जो इल्जाम लगाया था वो गलत साबित हुआ। असली मुल्जिम है जोशी और उसे हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और मास्टर? वो रिहा कर दिया गया। किस्मत तेरे आंसू पोंछना चाहती थी, तूने अपने हाथों से अपनी खुशी का गला घोट दिया। खोया हुआ बेटा मिला, देवता जैसे आदमी का सहारा मिला, जो चाहती थी तुझे मिला, लेकिन तू तो उसे अपने आंचल में समेट नहीं सकी। एक तुम हो, पराए बच्चे को कलेजे से लगाकर पाला, अपना बनाया। एक मैं हूं जिसे अपना माना, उसे भी शक किया। अपनी गलती के लिए मैं जिंदगी भर पछताती रहूंगी, आंसू बहाती रहूंगी। एक बार तुझे कलेजे से लगाकर प्यार भी नहीं कर सकी मैं, तू मुझसे रोटकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन लेकिन मैं तुझे धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मास्टर के लिए जो तेरे मन में विश्वास है ना, उसके सामने मां की ममता भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। छुटके, कभी मेरी याद आई तो नफरत के साथ याद मत करना बेटे, अपनी बदनसीब मां को माफ कर देना, माफ कर देना। नहीं मास्टर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नहीं बात, मैंने तुझे कितना समझाया। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। छटके, तुझे मेरी कसम, तुम मुझे छोड़ सकते हो मास्टर? कि मैं तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मैं तुम्हारा कोई नहीं,
लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। छुटके, ऐसी बात कभी सोचना भी मत। अगर कोई तुझे मुझसे अलग करना चाहता तो मैं अपनी जान दे देता, तुझे कभी नहीं जाने देता। तू मेरा है छुटके, और हमेशा मेरा रहेगा। तुम मुझके पास क्यों भेज रहे हो? इसलिए कि वो तेरी माँ है, और माँ से बढ़कर अपना कोई नहीं होता। दुनिया माँ की पूजा करती है छुटके, और तूने उसका अपमान किया, उसे थप्पड़ मारा। तुझे उसके पांव पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। मैं अभी जाकर माफी मांगता हूँ। नहीं छुटके, अब तो हमेशा माँ के पास ही रहेगा। नहीं मास्टर। बेटे, जिंदगी में कुछ रिश्ते कुछ दिनों के होते हैं, और कुछ दिनों का प्यार जिंदगी भर के लिए काफी होता है। एक बात बता, अगर तुझे किसी की खोई हुई चीज मिल जाए तो तू वापस दे देगा ना? आज तक तू मेरे पास उसकी अमानत था, जो तेरे लिए रोती रही, तड़पती रही। उसी माँ को आज मैं उसका बेटा लौटा रहा हूं। इस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये तू बड़ा होने के बाद ही समझेगा। जा बेटा, तुझे अपनी कसम है, जा। कहता हूँ मां से। वफादार दोस्त इंसान को नहीं मिल सकता। रोटी के एक टुकड़े के लिए तुम इंसान को अपना बना लेते हो, और इंसान प्यार पाकर भी किसी को अपना नहीं बना पाता। सुनो, पिछले जन्म में तुम क्या थे मैं नहीं जानता, लेकिन अगर भगवान अगले जन्म में तुम्हें इंसान बनाना चाहे तो नहीं बनना, कभी नहीं बनना, कभी नहीं बनना। मास्टर, छुटका, छुटके, तू यहाँ क्यों आया रे? मैंने माँ से माफी मांग ली है मास्टर, लेकिन मुझसे कुछ खाया नहीं गया। क्यों, माँ ने नहीं खिलाया? तुम्हारे बिना खाया नहीं जाता मास्टर, आदत पड़ गई है ना एक दूसरे को खिलाने की। एक बात पूछो, तुमने खाया मास्टर? छुटके, मास्टर, मैं तुम्हारा कोई नहीं था, फिर भी तुमने मुझे इतना प्यार दिया,
अगर मेरे माँ बाप भी होते तो मुझे इतना प्यार नहीं देते। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जब मुझे अपना बना तो मेरी माँ को भी अपना बना लो। मेरी बात मान जाओ मास्टर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे माफ नहीं करोगे? आँखों का सपना इस अपने पन के बिन क्या है अपना, इस अपने पन के बिन क्या है अपना। सब एक रब का, रब एक सबका, सब एक रब का, रब एक सबका। ओ, ओ, ओ हंस के गले से सबको लगा लो, अरे सबको लगा लो, अपना बना लो, अपना बना लो।